हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ये सुपर डुपर ट्रिक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तो ही आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। एक ही ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई ये ट्रिक अप्लाई करके आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन में एक ही ट्रिक अप्लाई करूंगी, कोई ट्रिक चेंज नहीं करेंगे। एक ही मेथड से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन है 98 को 37 से मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले क्या करना है, 8 चेंज। 8 चेंज क्या होता है, 56 होता है। ओके, अब क्या करना है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 93 क्या होता है, 27 होता है। ओके, अब क्या करना है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में क्या करना है, 9। 9 से क्या होता है, 9 से 63 होता है। अब 83 का क्या होता है, 24 होता है। इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 43 क्या होता है, 7 होता है। 62 क्या होता है, 8 होता है, 87। तो अब क्या करेंगे, हम राइट साइड से वन डिजिट छोड़ के 87 लिख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 के 6 7, 5 7 12 का 2 कैरी 1, 8 7 15 कैरी, 16 का 6 कैरी 1, 2 1 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर, 3626। 3626 ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे मैं 26 को 58 से मल्टीप्लाई करना है, 26 को 58 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें यहाँ 6 का टेबल क्या करना है, 8 बार, तो 6 8 क्या होता है, 48 होता है। अब 2 5 क्या होता है, 10 होता है। हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब क्या करना है, इधर से ऊपर 2 8 क्या होता है, 16 होता है। 6 5 क्या होता है, 30 होता है। अब इन दोनों नंबर को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 16 30 46। 6 की 6 3 1 4, 46 हम राइट साइड से वन डिजिट छोड़ के 46 ऐड कर देंगे, लिख के ऐड कर देंगे इस नंबर में। 8 6 4 10 की 0 कैरी 1, 4 1 5 1 की 1, यानी 1508। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन। जैसे 12 को 73 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 73 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले 2 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 से क्या होता है, 6 होता है। तो हमको क्या करना है, 2 डिजिट में लिखना है, तो 6 लिख के हम 0 एज इट इज, ठीक है। ओके, 2 3 से 6 होता है, तो हम 6 1 डिजिट नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट में हमको जो भी नंबर लिखना है 2 डिजिट में लिखना है, तो हम 0 6 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 7 1 से क्या होता है, 7 होता है। यहाँ भी हम 0 लगा दिए। ओके, क्या करना है, 2 1 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 1 से क्या होता है, 3 होता है। 2 7 से क्या होता है, 14 होता है। इस नंबर में ऐड करें तो 3 14 में 3 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 17 17 वन डिजिट छोड़ के हम राइट साइड से हम 17 लिख के इन नंबर को ऐड कर देंगे। 6 के 6 7 के 7 7 1 8 0 की 0, कोई फर्क नहीं, 876। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। जैसे मैं 73 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, 73 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई 9 में, 3 का मल्टीप्लाई 9 में, तो 3 7 क्या होता है, 3 9 क्या होता है, 3 9 27। अब 7 3 7 4 क्या होता है, 28। ओके, अब क्या करना है, 7 9 7 9 63, 3 4 12। अब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 3 2 3 2 3 2 5 6 1 7, यानी 75। राइट साइड से वन डिजिट छोड़ के हम 75 लिख के इस नंबर को ऐड कर देंगे। बहुत ये सुपर डुपर ट्रिक है, ये है वैदिक मैथ ट्रिक। जैसे में 7 है, तो 7 2 5 7 8 7 15 का 5 कैरी 1 2 1 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं हर क्वेश्चन को एक ही ट्रिक से, सारे क्वेश्चन को एक ही ट्रिक से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। इसका हमारा आंसर क्या आ गया, 3577 क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे मैं फिफ्थ क्वेश्चन 59 इंटू 81। अब लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अगर ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।